हेलो OMG फैमिली, स्वागत है आपका OMG व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आपको हमने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि फूडी वी का कंटेंट जो है वो करने लगे हैं हम चेंज, तो उसके लिए अभी जा रहे हैं हम टूवर्ड्स अमृतसर अपनी वीडियो बनाने के लिए। जिस बंदे से कपड़े नहीं चेंज हो रहे, कंटेंट की चीज कैसी चेंज कर लेगा। मैंने क्या थर्ड क्लास बात की है, क्या थर्ड क्लास चैनल के साथ। मतलब बहुत देर बाद अभी हमने सुबह उठते हुए बेड पे या किचन में व्लॉग नहीं शुरू किया, सच में गाड़ी में व्लॉग जी रहे हैं, वो बारिश होते हैं और इतनी ज्यादा जल्दी शुरू किया ना। आगे आपको एक गाड़ी दिखेगी, बस एक और दिखेगी। लोग उठ जाते होंगे जल्दी, हम नहीं उठते, हमें लगता है कोई भी नहीं उठता। बहुत मुश्किल था आज की हमारी सुबह, बहुत मुश्किल थी, इसलिए हम व्लॉग शुरू नहीं कर पाए क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी। गाड़ी में सामान रखना, बाहर निकलना, कपड़े पहनना, तैयार होना, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि खुद को संभाले या कैमरे को संभाले, तो हमने सोचा पहले ना सामान संभालते हैं, उसके बाद कैमरा संभालते हैं। और ये आदित्य इसको दौरे पड़ गए, वो इतनी बारिश इसने भी नहीं देखी। इतना लंबा रास्ता है, खराब ना हो। नहीं नहीं, ये पता क्या हुआ है, इसको भी इतनी जल्दी सुबह स्टार्ट होने की आदत नहीं है। हो सकता, कोई नहीं बेटा, उठ जाओ, इसको चाय पिलानी पड़ेगी। ढाबे रोक के इसको गर्म गर्म थोड़ा सा बाहर पानी डाल। नहीं नहीं, नहलाने से ना इसकी, देख तुझे नहला के लाया कोई फर्क पड़ा है नहीं था, इसको कैसे पड़ जाएगा। मुक्ति तो ऐसा लग रही है कि बस 15-20 दिन से ना नहाई है ना सोई है, सुबह सर धो के आई हूं, पूरी दुखी आत्मा भर रही हुई है। नहीं, हम सोए भी तो लेट थे, रात को 2 बजे के अराउंड में सोया हूँ, 2:30 बजे। मैं भी 5 बजे उठ गया था, मैं तो नींद भी नहीं पूरी हुई, बट ये है कि इनफ है ड्राइव करने के लिए बहुत। साहब यहाँ पे बना हुआ है समुंदर, ये छोटी सी जान पता नहीं कैसे निकल के आई है वहां से। अब ये छोटी सी जान का मन नहीं कर रहा है जाने का। नहीं, अगर ये ऑटो निकल गया, अगर ये ऑटो निकल गया, ऑटो के पीछे निकलने दो, उसके पीछे भी चलेंगे हम। नहीं, ऑटो के पीछे पीछे चलना चाहिए, उसके छोटे छोटे से टायर पद चिन्हों पर चलना चाहिए किसी के। ये पता अच्छा टेक्टिक है, अगर आपको कहीं लगे ना पानी ज्यादा है या रास्ता खराब हो सकता है तो किसी को आगे कर लो, तो फिर उससे आपका रास्ता बनता रहता है। देखो ये है अपना रक्षा कवच, थैंक यू रक्षा कवच, बाय बाय। आज अमृतसर सिर्फ मैं, मुक्ति और आदित्य नहीं जाएंगे, हमारे साथ मिस्ट्री गर्ल भी जा रही है। वैसे तो मिस्ट्री गर्ल है नहीं, सबको नाम पता चल चुका हुआ है। ऐश्वर्या, हेलो। अभिषेक यहाँ पे बैठा है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या पीछे। एक बाधा की कॉमन नाम है, पर इतना भी कॉमन नहीं है। आदित्य से अभिषेक, आदित्य दोनों ही कॉमन है। चलो कोई नहीं, अभी हम निकल रहे हैं। बोलती कैसे बंद हो गई हुई है, इतना ही बोलना था मुझे। मैं बड़ी जोर से ससुर आई है, जो मैं रस्ते में करूंगा। ससुराल में करा था, ससुराल में, इसको ससुर आउट नहीं है, ससुराल। तो भाई साहब भूख लगे बहुत ही जोरों शोरों से, और कोई भी जगह इस टाइम खुली नहीं हुई है, एक और जगह पे रुके हैं, तो लेट्स सी कि खुला नहीं खुला है। ये तो खुला हुआ लग रहा है, नहीं सबवे, मैकडॉनल्ड। अमृतसर सच्चे का ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तो गाड़ी में सो के ही आई हूँ। जाग जाओ जबान, हमें वीडियो बनानी है फूडी वी की। जाग रहे हो, तू ही सो रही है, हम तो जागे हुए हैं। तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया हुआ होटल के अंदर। अच्छी बात ये हो गई कि बारिश यहाँ पे नहीं हो रही है। अरे अभी नहीं हो रही, बादल वाला मौसम है, बट बारिश हम अपने साथ साथ बादलों को लेके आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारी स्पीड ज्यादा। अभी हम आ रहे थे ना रस्ते में, बारिश भी शुरू हो रही थी और सड़कें सूखी थी बिल्कुल, इसका मतलब भी बारिश शुरू हो रही थी। दूसरी बात यह है कि हमने रेनकोट, अम्ब्रेला, सारे दाई हमने पूरी की हुई है, पूरा इंतजाम किया हुआ है। बारिश हो रही होगी, बारिश में वीडियो बनेगी, बारिश में वीडियो बनेगी। तो आधे घंटे में फटाफट तैयार व्यार होते हैं, लेट्स गेट रेडी फॉर वीडियो, है ना। रेनकोट इतने रंग बिरंगे है ना हमारे, अगर बारिश हो गई तो हम रंग बिरंगे रेनकोटों में वीडियो बनाएंगे। हम हो चुके हैं रेडी फूडी वी की वीडियो बनाने के लिए, और शायद अभी प्लान है हमारा ऑटो से जाने का। ऑटो से जाने का ऑल इज सेट, सारे रिक्शे में ठूस चुके हुए हैं, और अब चलते हैं लोकेशन पे। आज स्पेशल हमारे साथ सभी भाई,
और भुवनेश भाई है वीडियो बनाने के लिए। चलो आयो आयो। अरे लग तो तुम एक रिक्शा में कंजूस इतने ना बाइक गाड़ी है लेकिन दो रिक्शा ले ले। आगे ना हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे और बहुत ही जल्दी करने लगे वीडियो को शुरू। तो भी वीडियो पे करते हैं फोकस, फूडी भी की OMG व्लॉग का व्लॉग बनाते हैं उसके बाद। ऐसे लोग होते हैं जो स्टारबक्स में बैठ के नेस्कैफे की कॉफी पी रहे हैं। शेम ऑन यू आदि। इसे कहते हैं पैसे बचाना, ठीक है? उसको पता है इसकी वैल्यू इतनी है, दो रुपए की। तो पैसे डाल रहे हैं पर 200 रुपए ले लिए इन्होंने हमसे। स्मार्ट। पानी मांगो, बर्फ मांगो, सैशे अपना पैकेट निकालो, पियो। रेस्टोरेंट में भी ऐसे करता हूँ, नींबू पानी ऑर्डर करो 60 रुपए लेते हैं, उनसे पानी मंगाओ भैया थोड़ा नींबू दे देना, आधा नींबू काट के लेगा, नमक उसके पास होता ही है। जुगाड़ो इंसान, ऐसी चलती जिंदगी। ये है आम जिंदगी, वो है खास। 400 रुपए में देख रहे हो कितना कम दिया है, मेरे को फ्री में दे कितना दिया। फाइनली जाके हमारी फूडी वी की वीडियो हुई है खत्म। और गर्मी ने कर दिया हमें ताबड़तोड़, हमारी टांगे ऐसा लग रहा है कोई दबा दे आगे। चैलेंज सही बात है, पहले भी काफी बारी की है पर इस बारी अलग ही मजा है, अलग मजा आया। वीडियो भी काफी अलग, काफी अलग भी बनेगी और सच्ची मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो में। और ना मुक्ति यहाँ से व्लॉग बनाने के चक्कर में ना कितने लोगों को इसने हाथ तोड़वा दिया। अच्छा? अच्छे वाले लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे, सबके हाथ तोड़वा दिया। किसी ने माँ ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया, रशी बहुत है क्या करे? भाई ने बहन का हाथ छोड़ दिया मुक्ति की व्लॉगिंग के चक्कर में। मुझे व्लॉग करने तो हटो साइड कर रहे, चल भी ऑपोजिट रही है लोगों के। अच्छा उधर चलना चाहिए ना, उधर चलना चाहिए। वेरी बैड ऑफ वेरी बैड भाई, बढ़िया सा रिक्शा कराओ। जितने भी अभी तक रिक्शा करे हैं ना इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, बताओ क्या करें? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं करना है हमें, क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। हाँ। हमारे बाहर से स्कूटर चल नहीं पाता है और हमने आज खाया स्कूटर नहीं है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर रिक्शा हाँ वही। इसके सर में गर्मी चढ़ गई है, पता ही नहीं चला क्या बोल रहा है। आदि तेरी टी शर्ट कितनी गिल्ली हो रखी है पसीने से। हाँ यार पसीना आता नहीं बट ह्यूमिडिटी बहुत आता है। बनाने के बाद हम वापस चले गए थे रूम के अंदर और थोड़ा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। देखो जी अभी शादी के बाद इमीडिएटली जब हम अमृतसर आए थे उस टाइम हमने हवेली ट्राई किया था और जीडी के बहुत ही ज्यादा स्वाद खाना पीना था। आज भूख लगी है जोरों शोरों से तो कुछ स्वाद ही खाएंगे, बेशक 10 मिनट रुक के खाए। आदि को ना मैंने 36 बार बोला है कि जब सब बैठे होने से रोंदड़ गाने मत सुना कर, सारा माहौल खराब कर देता है यार। आदि क्या लगा, बंद कर दे इसको यार। राहत फतेह अली खान के गाने तो तू सोते वक्त सुना कर ना, अभी क्यों हमें सुना रहे? इतनी मेलोडिक सुपर गुड गाने हैं यार। एक तो मुझे यहाँ यार ऐश इसको कुछ समझाओ यार, तेरे को पता था इसने ये लगाने से। हाँ ऐसे ऐसे लगाने लग रहा है कि शायद हमें जगह ना मिले। है जगह या वेटिंग है? ओपन दिया है अभी, नंबर आएगा तो चलेगी। अच्छा अपना नंबर क्या है? 67। उत्तर तो चाली है, बहुत लेट हो जाएंगे फिर तो। बहुत टाइम लग जाएगा हमें। कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा हमारी अभी वेटिंग। तो मीनवाइल क्या करें? मीनवाइल क्या करें, भूख लग रही है, मरने वाला हूँ मैं। 20 मिनट में अच्छा डाका नकली कह रही है वो। अरे नहीं और क्या सीढ़ी टांगी तुम वाली तो कार आएगा वो डाका मर के जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। कोई तो वैल्यू होगी उसकी? नहीं नहीं यार ऐसे खराब शो खराब। यहाँ पे फूडी वी का चैलेंज नहीं चल रहा हूँ कार। वो चल रहा तो मैं मार लेता। सबर का फल क्या होता है? सबर का फल चटपटा होता है। चटपटा होता है, क्या क्या बातें कर रहा है यार। चटपटा नहीं होता, स्वादिष्ट होता है।
ये तो बिना सफर के आया भाई। बिना सफर के आया? हमसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी तो हमने दही पापड़ी भल्ला पापड़ी और राज को जोड़ी करा ली थी। और सुंदर भी लग रहा है ना, जैसे मेरी दादी बोलती थी उनसे पूछो खाना कैसा बना है, सोना बना है, बहुत सोना है, सोना है ये। मजा पता आ गया। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। सत्श्रीकाल पाजी, किवे हो? घर परिवार बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। सत्श्रीकाल। पहली बार किसने डिनर में, डिनर से पहले चाय मंगाई? ओह पहली बार आया बड़ा। जितने भी चाय लोग हैं उनको जिस मर्जी टाइप दे दो, वो सोने से पहले सोने के बाद सोने के बाद और सपनों में चार बारी और पी लेते हैं। खाना खाने के बाद ना इतनी तगड़ी नींद आ रही है ना, मन कर वैसे अब ये नहीं मन कर रहा कि जाके सो जाए, मन कर रहा यही सो जाए। तो सो जा, पहले भी रास्ते पे आते हैं सोती आई है भाई साहब। पहले नींद कम आ रही थी अब और ज्यादा। भाई तू ना बोल ऐसे, शट अप प्राइवेट प्रॉपर्टी भाई साहब। चाइनीज प्रमोट हो रही है यहाँ पे, चाइनीज प्रमोशन अमृतसर। छी 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 छी। यहाँ पे टोल प्लाजा पे हम खड़े थे अपनी पर्ची कटवाने के लिए और सामने मैंने देखा चाइनीज। आप पढ़ने आते ना उनका चाइनीज। मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मैंने सोचा था कि वहाँ पे पंजाबी लिखी होगी, चलो दफा हो जाओ, पर वहाँ पे चाइनीज में लिखा है ताड़ी एदा दी वैसी। पता नहीं क्या लिखा है ये क्या थी थोड़ी दादी वैसे, क्या पंजाबी होती है बताइए। वो चाइनीज में वो चीज लिखी है ना, दफा हो जाओ। चाइना का माल सस्ते में ले लिया हुआ है और लैंग्वेज के लिए इतना ज्यादा फोकस है ना चाइनीज। कह रहे लेके रहो, कंपल्सरी है तुम्हें पढ़नी आती है इसको, ये ना जो तुम बोल रहे हो लिखा है उस पे शू शाह तादी शू की खापू लिखा है। वो ऐसे ही लिखा दिख नहीं रहा तुझे, शू शाह ताड़ी पू की खाहे मुंह। ये दूसरी बार अलग बोला नहीं, पहले वाला बताओ क्या बोला था। अलग लिखा हुआ आ रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा वो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। वो अलग अलग चीज अलग अलग बार लिख रहे हैं और ये इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो चाइनीज पढ़ने लग गए। चल रहे भरा, 5 मिनट से मैं बकवास मार रहा हूँ, 10 मिनट से तू खड़ा हुआ है इलिटरेट। मुझे लग रहा है उनकार ने ना रोटी थोड़ी ज्यादा खा ली, दिमाग में चढ़ी हुई है। मैंने चाइनीज स्वीट डिश नहीं खाई थी, शूंकी पूंकी शांकी। हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के। पहले मेरी चप्पल के ऊपर ही चढ़ जाओ तुम, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रही है। एंड गाइस अब टाइम आ चुका सोने का, भूलेंगे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कुछ चमक है बाय गाइस।